नमस्कार स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 16 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज के हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं। देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट डिफिकल्टीज इज अनडेवलपिंग कंट्रीज। जहां भी अनडेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादातर कैसी होती है, इलिटरेट होती है। सो दैट दिस इज द मेन डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो इलिटरेशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी डेवलप करती है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है, उनकी इनकम कितनी है, और न ही वो जितनी इनकम होती है उसको सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो न तो उनको कैलकुलेशन करनी आती है कि उन्होंने पूरे ईयर के अंदर उनकी अर्निंग कितनी हुई है, और न ही वो अपने बात को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी हमारे यहाँ पर इस में आती है, जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है, कि बहुत सारे मटेरियल ऐसा होता है, बहुत सारा प्रोडक्शन ऐसा होता है जो कि मार्केट में सेल आउट होने ही नहीं आता, अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा रख लिया जाता है। तो उसकी भी इसके अंदर काउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है। इस कारण से भी जो हमारी नेशनल इनकम है उसका सही मेजरमेंट नहीं हो पाता है। और इसके अलावा कि बहुत सारे अनेक जगह पर जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, जहां पर एक चीज, एक वस्तु के, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का लेन देन किया जाता है, तो उन कंट्रीज के अंदर भी जहां बार्टर सिस्टम है वहां पर भी, या उन एरियाज के अंदर जहां पर बार्टर सिस्टम चलता है वहां पर भी नेशनल इनकम की प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो वाला जो पार्ट है जिसके, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, मनी के द्वारा नहीं किया जा रहा। नेशनल इनकम के अंदर केवल उसी पार्ट की कैलकुलेशन हो पाती है जो कि मनी के द्वारा कैलकुलेट की जा रही है। तो बटर सिस्टम वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आने के कारण भी नेशनल इनकम का सही मेजरमेंट नहीं हो पाता। इस तरह से नेशनल इनकम के अंदर कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, यानी कि हमें एक, जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करें तो हमें इन सारी डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए ही इसको आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे कि हम सही ढंग से प्रॉपरली कैलकुलेशन कर सकें। बहुत सारे ऐसे जो सेलर्स होते हैं वो जैसे उनकी, तो जैसे जो ठेले लगाते हैं अपनी छोटी छोटी दुकानों में अपना प्रोडक्शन बेचते हैं, उनकी तो कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो तो अपने, न तो उनका कोई बैलेंस शीट रखते हैं और न ही कोई रिकॉर्ड रखते हैं कि उनका कितना टर्नओवर है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारा सेक्टर हमारी कंट्रीज के अंदर, ऐसा अनडेवलपिंग कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि उनका नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर उनको कंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आर नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो हमारा था डिफिकल्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इकोनॉमिक वेलफेयर और जो हमारा नेशनल इनकम है, इसमें क्या रिलेशनशिप है। हम सबसे पहली बात आती है, नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्यों मेजरमेंट इसका करते हैं। तो नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करती है। नेशनल इनकम हमें बताती है कि एक्चुअल में हमारी कंडीशन क्या, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कितना है, हम किस स्टेट पर आकर के, किस स्टेज पर आकर के अपनी लाइफ स्टाइल हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ता है तो जनरली हमारे दिमाग में यही बात आती है कि हमारा स्टेटस, लिविंग स्टेटस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या हमेशा ही नेशनल इनकम का इंक्रीज होना हमारे लिविंग स्टेटस या इकोनॉमिक वेलफेयर का सूचक होता है। क्या ये इंडिकेट करता है कि नेशनल इनकम जब इंक्रीज हो रही है तो सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है। जनरली अगर हम देखें तो नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट होता है, जब भी नेशनल इनकम इंक्रीजेस होती है देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री इज आल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो जैसे ही नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होती है तो टोटल प्रोडक्शन, या हम यू कह रहे नेशनल प्रोडक्शन भी हमारा जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वेन नेशनल प्रोडक्शन GDP is increases, total production is increases, then total expenditure also increases. जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो लोग, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, दैट मीन्स कि उनका जो एक्सपेंडिचर है दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। जब एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि वेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अब टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा इंक्रीज होता है, इट सिंबल्स, ये क्या सिंबल करता है कि लाइफ स्टाइल ऑल्सो इंक्रीजेस, हमारा स्टेटस ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो लेकिन क्या हम
से, नेशनल इनकम के इंक्रीज होने से हम ये बता दें कि पूरी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि केवल हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कुछ परसेंट, मैक्सिमम जनरली यही होता है कि 25% जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई लाइफ स्टाइल से सर्वाइव कर रही है और उसके अर्निंग, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम है वो बहुत ज्यादा है, और जो बाकी के 75% पॉपुलेशन है वो बहुत कम लेवल पर उसकी इनकम, पर ईयर इनकम है, अगर हम उसकी पर ईयर इनकम, पर ईयर कैपिटल इनकम हम फाइंड आउट करें तो उनकी बहुत कम है, लेकिन जब एग्रीगेट हम निकालते हैं तो बहुत अच्छी आती है, जिससे हमें लगता है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है और हमारे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर ये फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, दैट मींस कि नेशनल इनकम इज सिंबल्स टू सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर ये पॉइंट्स कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर इनको फॉलो अप किया जा रहा है तो इससे ये पता लग रहा है कि हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण का सूचक है। कब कौन कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के अंदर, अनइक्वलिटी की प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो जाएगी और अनइक्वलिटी से बहुत सारी और सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लग जाएंगी। तो होना क्या चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज बहुत पैसे वालों को, रिच पीपल को, अमीरों को प्रोवाइड कराई जा रही है, वैसी ही फैसिलिटीज गरीबों को भी प्रोवाइड कराई जाए, और एक जो दोनों के बीच में इनकम का, अनइक्वल इनकम का जो गैप है, आय का जो असमान वितरण है, उसको हम कम कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय अपनाती है जिसको हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इज दैट। एंड द सेकेंड पॉइंट है इसमें द मैनर ऑफ इनकम, यानी कि आप इनकम किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, आपके अर्निंग का सोर्स आप एग्रीकल्चर के थ्रू यानी प्राइमरी सेक्टर के थ्रू इनकम अर्निंग कर रहे हैं या टर्शरी सेक्टर के थ्रू इनकम अर्निंग कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थर्ड पॉइंट इज द मैनर ऑफ स्पेंडिंग ऑफ द इनकम। लोग अपनी इनकम का को किस तरह से स्पेंड करते हैं, किस तरह से खर्च करते हैं, अगर लोग अपनी इनकम को, अपनी नेसेसरी जो वॉन्ट्स है उन्हीं को फुलफिल करने में ही अगर करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है, और अगर आप अपनी इनकम को लग्जरी गुड्स पर और अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही पीसफुली सर्वाइव करने में कर रहे हो, यानी कि आप बहुत आरामदायक तरीके से चीजों को भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, उस पर भी आप खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, कंडीशंस एट वर्किंग प्लेस, आपके वर्किंग प्लेस की कंडीशन किस तरह की है। अगर आप बहुत पीसफुल एरिया के अंदर वर्क कर रहे हो, शांति से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी, आप इकोनॉमिक वेलफेयर का वो रिप्रेजेंट करता है, और आप बहुत ज्यादा, बहुत ही घुटन भरे और बहुत टाइडी माहौल के अंदर काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट हेडिंग है हमारे इस चैप्टर का, ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये जो हेडिंग है ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ग्रीन अकाउंटिंग।
ग्रीन अकाउंटिंग को आजकल हमारे इसमें जो जब भी हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स में इसका लेखांकन करते हैं, तो ग्रीन अकाउंटिंग को इसमें शामिल किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अनेक जो कंट्रीज हैं उन्होंने जब अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हम अनदेखी करते चले गए, उसको भूलते चले गए और उसकी कॉस्ट पर हमने अपना डेवलपमेंट किया, जिसके कारण हमारे पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस करना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कि आगे आने वाली जनरेशन को भी हमारी जो ये इतनी नेचर है, हमारी जो नेचर है उसने हमें इतनी सारी गिफ्ट्स जो दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत कीमती बहुमूल्य प्रिशियस चीजें हमें दे रखी हैं, तो उन चीजों को हम खुद भी यूज करते रहें और आगे आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है उसको भी उनके यूज से वंचित नहीं रहना पड़े। इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अभी ग्रीन अकाउंटिंग को भी शामिल किया गया है। जब भी हम यानी कि इस ग्रीन अकाउंटिंग को शामिल करने का मतलब क्या है कि जब भी हम जीडीपी को फाइंड आउट करते हैं तो जीडीपी को फाइंड आउट करते समय उसमें से हम जो टोटल हमारा प्रोडक्शन है उसमें से हम जितना भी प्रोडक्शन करने के कारण हमारा जितना भी एटमॉस्फेयर का लॉस हुआ है, एनवायरमेंटल लॉस जो हुआ है उसको हम माइनस कर देते हैं, तब हमारी एक्चुअल जीडीपी आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमारा होता है ग्रीन अकाउंटिंग और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।